फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन होगी ये बीएस सेकेंड ईयर वालों के लिए होगी और ये एंशियंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होगा। और आपको ये लगातार अब आपको वीडियोस मिलेंगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो मैं बना रहा था, सबकी मैं बना रहा हूँ। अब आपको लगातार अब वीडियोज मिलेंगे क्योंकि मेरे चैनल पर जो है कि 900 एबव सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। ठीक है, आप लोगों ने इतना अच्छे से मुझे सपोर्ट किया, मुझे आशा है कि और भी आप लोग सपोर्ट करेंगे, अच्छे से अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करेंगे और मुझे कुछ ही दिनों में 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचा देंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसा ही जो है कि प्यार दुलार रहा मेरे ऊपर, तो आप लोग अच्छे से मुझे जो है कि 1000 सब्सक्राइबर गेन करने में मदद करेंगे जरूर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसे बताते हैं आपको डायग्राम के माध्यम से, आपको पूरा क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है क्या, उत्तर गुप्त वंश। ठीक है, उत्तर गुप्त वंश में हम जानेंगे। ठीक है, सब कुछ एकदम पूरा क्लियरली। ठीक है, जो एकदम इंपॉर्टेंट है, ये जितने क्वेश्चन हैं आप दे रखा हूँ एकदम आप याद करके जाएंगे ना, तो उत्तर गुप्त वंश से अगर कोई क्वेश्चन आ गया ना तो गारंटी में बता रहा हूँ आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी एकदम तैयार कर लो। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ अब ये क्या है, उत्तर गुप्त वंश दिया है। ठीक है, उत्तर गुप्त वंश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जितना क्वेश्चन है मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, जो पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि उत्तर गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे या प्रथम शासक कौन थे। तो वो कृष्णगुप्त थे। ठीक है, प्रथम शासक कौन थे, कृष्णगुप्त थे, और द्वितीय शासक हर्षगुप्त थे। ठीक है, तृतीय के बारे में नहीं पूछता है, चतुर्थ के बारे में पूछता है कि चौथा शासक कौन था, तो कुमारगुप्त थे। ठीक है दोस्तों, ये चार तीन क्वेश्चन समझ में आया। अब यहां से कुछ और क्वेश्चन पूछेगा कि हर्षगुप्त जो थे द्वितीय शासक, उनके जो है पुत्र कौन थे, तो जीवितगुप्त द्वितीय थे। ठीक है दोस्तों, और ये जो है जीवित गुप्त द्वितीय, ये क्या थे, उत्तर गुप्त वंश से संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, चार ऑप्शन दिया रहेगा, किसी किसी का नाम दे देगा। ठीक है, दे देगा, और उसमें जो है कि जीवित गुप्त द्वितीय का भी दिया रहेगा और पूछ देगा कि इससे जो है उत्तर गुप्त वंश से संबंधित कौन थे, कौन है। ठीक है, तो आपको जीवित गुप्त द्वितीय पर टिक करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो जो जीवित गुप्त द्वितीय है, इनका जो क्या था, जो इनके शासनकाल के समय में जो लेख था वो कौन सा, देववर्णाक लेख था। देववर्णाक लेख, समझ आया। ठीक है, अब जो है उसके आगे दे रखा है यहाँ पर जीवितगुप्त प्रथम, जो उत्तर गुप्त वंश है इससे संबंधित थे, जीवितगुप्त प्रथम भी संबंधित थे। ठीक है, और उनको उनसे एक क्वेश्चन पूछ देता है कि अप्सरा अभिलेख किस शासक के समय का है। ठीक है, किस शासक के शासनकाल के समय का है, तो वो किसके शासनकाल के समय का है, तो जीवितगुप्त प्रथम का है अप्सरा अभिलेख। और ये किनका है, अगर कभी पूछ दिया अप्सरा अभिलेख किनका है, तो आदित्य सेन, आपको याद रखना है कि आदित्य सेन का ये अप्सरा अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, अप्सरा अभिलेख से ही जो है उत्तर गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। एक एक मेरे बात को आप नोटिस कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए। अगर नोट डाउन कर लेते हैं आप तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। हाँ, से नोट्स बनाना आप चालू कर दिए अगर चाहते हैं अच्छे से नंबर पाना तो। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्योंकि मैं एकदम वही चीजें बताऊंगा जो मैं खुद नोट्स बना रखा हूँ। ठीक है, और मैं नोट्स ऐसे डायग्राम से बनाता हूँ क्योंकि मुझे सभी चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप नहीं चाहता हूँ ऐसे पूरा लिख कर बका दे बनाना, तो नहीं तो मैं आप लोग खुद प्रोवाइड कर देता। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बनाना अभी से स्टार्ट कर दो, और आप खुद बनाओगे तो नोट्स देखिए, नोट्स खुद का नोट्स समझ में आता है, दूसरे का नोट्स समझ में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, उस चीज़ को आप अपने तरीके से नोट करो, नोट डाउन करो। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से क्या, जीवितगुप्त जो प्रथम थे इन्हीं के पुत्र थे कुमारगुप्त। ठीक है, इन्हीं के पुत्र थे या उत्तराधिकारी बोले तो दोनों हो सकता है। ठीक है, उनके पुत्र बोले या उत्तराधिकारी, दोनों बात एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब इन्हीं के बारे में हम जानेंगे, कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त के बारे में एकदम पॉइंट ऑफ पॉइंट एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, और अधिकतर पूछता है इन्हीं के बारे में। ठीक है, और मैं बता दूँ आपको कि कुमारगुप्त थे जो, वो सबसे बेस्ट शासक थे इस जो है कि उत्तर गुप्त वंश के या परवर्ती गुप्त वंश के। ठीक है, दोनों एक ही होता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला, कुमारगुप्त जो कुमारगुप्त थे इनको उपाधि मिली थी, तो किस किस चीज की उपाधि मिली थी, इन्हें जो है वीरों में अग्रगण्य कहा गया है। ठीक है, वीरों में अग्रगण्य कहा गया है, और इन्हें जो है महाराजा धीराज की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, क्या, वीरों में अग्रगण्य और महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। ओके, अब इन्होंने जो है एक क्वेश्चन एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। ठीक है, तो कुमारगुप्त ने, और किस शासक किसके सहकार, किस वंश के समय में हुआ था, तो उत्तर गुप्त वंश के। समझ में आया आपको, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के समय में हुई थी, तो उत्तर गुप्त वंश के समय में। ठीक है, या परवर्ती गुप्त वंश के समय में। ठीक है, अब कुमारगुप्त ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना,
अब यहाँ पूछ देगा कि कुमार गुप्त के समकालीन कौन थे या फिर मित्र कौन थे, मित्र भी पूछ सकता है और समकालीन क्या बोलते हैं समकालीन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये ईशान वर्मा थे जो मौखरी वंश से संबंधित थे, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद से जस्ट मैं वीडियो मौखरी वंश की लाऊंगा, ठीक है, ऐसे ही डायग्राम से। अगर आप चाहते हैं इस तरह डायग्राम से पढ़ना और समझना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये सही तरीका है, या फिर आपको अगर लगता है कि दूसरी तरह मैं पढ़ाऊँ तो उसकी भी आप यहाँ पे कमेंट में मुझे बताइए जरूर, ठीक है दोस्तों। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स।